संक्रमण के बीच हमने बार बार लगातार आपसे घर में बने रहने की अपील की, जो अपील शायद रंग लाती नजर भी आ रही है। मध्य प्रदेश के धार जिले में बदनावर के ग्रामीण जागरूक होते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर चुके हैं और सरकार के आदेशों और नियमों का पालन भी कर रहे हैं, जो कि पूरे जिले के लिए एक अच्छी बात है। बदनावर धार ग्रामीण द्वारा लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए ग्राम तिलगारा के युवाओं ने तत्काल 6 टुकड़ियां बनाई और गाँव के मुख्य मार्गों पर तैनात हो गए और किसी भी बाहरी व्यक्तियों को गाँव में प्रवेश नहीं दे रहे हैं, ना ही किसी को बेवजह गाँव से बाहर जाने की अनुमति मिल रही है। इस विकट समस्या से लड़ने के लिए पूरा गाँव एक साथ खड़ा हो गया है, जो वाकई में काबिले तारीफ है। जैसा कि खबर 100 के माध्यम से हमें जानकारी दी गई थी कि आप तिलगारा में लॉकडाउन करें, आज युवा साथियों ने पूरे गांव में 6 जगह लॉकडाउन किया है और काफ़ी उत्साह के साथ जितने भी बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको पूरी तरह से ब्लॉक किया जा रहा है और गाँव में भी जितनी भी दुकानें पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। और इस आंदोलन को जब तक पूर्ण रूप से ये बीमारी महामारी बंद नहीं हो जाती है तब तक हम लोग ऐसे ही अपनी सेवा देते रहेंगे। पूरे गाँव को लॉकडाउन किया गया, पूरे गांव में 5 टीम बनाई, 5 रास्ते को सील किया गया, क्योंकि धार जिले में एक पॉजिटिव पाया गया और कुछ संदिग्ध पाए गए। इसको देखते हुए पूरे गांव में 5 जगह पे बाहर वाले को आने नहीं दिया जा रहा और गांव वाले को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। रहा सवाल गांव की कुछ सामग्रियों के लिए, किराना दुकान, टंकी, गैस की टंकी वगैरह जो भी सामान है वो सुबह 8 बजे से 10 बजे तक दुकानें खुली रहती है। जी, जैसे हमने हमारे जो पत्रकार है खबर 100 के तिलगारा के, उन्होंने हमारे जो गांव का एक तिलगारा जानकारी ग्रुप है उस पर उन्होंने गांव को सुरक्षित करने के लिए कुछ उपाय बनाने की योजना बताई। इसके तहत हमने कल रात को एक मीटिंग करी, उसमें कुछ टीमें बनाई और सभी गांव के जो मोहल्ले मेन रास्ते आते हैं शहर से या दूसरे गाँव से, उन सबको लॉक किया गया और गाँव से किसी को बाहर नहीं जाने दे रहे, ना बाहर से अंदर आने दे रहे हैं। को देखते हुए हमने तिलगारा को पूरा लॉकडाउन कर दिया है, किसी को भी बाहर भी नहीं जाने दे रहे और गांव में आने भी नहीं दे रहे। हमारे धार में भी एक केस आज देखने को मिला है। धार से राजेश चौहान की रिपोर्ट।